हेलो दोस्तों, मैं मीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ P2478-00 एग्जॉट गैस टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज। ये फॉल्ट कोड लिख के आएगा और उसके बाद SCR फॉल्ट आने पे क्या करें। ये फॉल्ट कोड आने पे SCR की लाइट भी जलेगी और हीटर का लाइट भी जलेगा। तो आप SCR की लाइट आने पर सिर्फ SCR सिस्टम ही नहीं बल्कि ये T5 और T4 सेंसर भी चेक करेंगे, समझ रहे दोस्तों। ये फॉल्ट कोड आने पर T5 और T4 सेंसर चेक करेंगे। देख लीजिए टोटल इसमें एक केस बन रहा है जो आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। क्या द T5 सेंसर इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है, T5 टेम्परेचर सेंसर चेक करने के लिए बोल रहा है ये फॉल्ट कोड में। चेक पॉइंट में ये केस चेक पॉइंट में क्या है दोस्तों, ये चेक फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ सेंसर, चेक करेंगे सेंसर काम कर रहा है कि नहीं ठीक से, और रिप्लेस द सेंसर। दूसरे पॉइंट सेंसर चेंज करके देखेंगे। पहले सेंसर पे चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, और उसके बाद ये सेंसर 2 पिन का होता है और 2 पिन का 1 पिन पे 2.5 वोल्ट, 1 पिन पे ग्राउंड, 1 पिन पे 2.5 वोल्ट, 1 पिन पे ग्राउंड, और इसके दोनों तार ECU से आते हैं। अब ECU के कौन कौन से पिन नंबर से आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका दोस्तों पिन नंबर 1 है वो 59 नंबर पिन से आता है, पिन नंबर एक 59 नंबर पिन से, और उसके बाद जो पिन नंबर 2 है वो 29 नंबर पिन ECU के पिन नंबर कपलर के, एक तो 29 नंबर पिन से आता है जो दूसरा पिन नंबर है, और जो पहला है 59 नंबर पिन से। तो आपको ये क्लियर हो गया ये दोनों तार ECU कौन से पिन नंबर से आते हैं। क्या होता है बहुत बार तार बीच से ब्रेक रहता है तो भी ये हीटर का लाइट आएगा और उसके बाद SCR की लाइट आएगी। अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसका कंटिन्यूटी भी चेक जान के कैसे चेक करेंगे, अब वोल्टेज भी जानिए कितना वोल्टेज आएगा, 2.5 वोल्ट 1 पिन पर और दूसरे नंबर पिन पर ग्राउंड। अब उसके बाद दोस्तों ये फॉल्ट कोड आने पर टोटल आपका सब जो भी प्रॉब्लम आएगी सब मैंने बता दिया। तो अगर ये सेंसर रिप्लेस करते तो SCR की लाइट भी हीटर की लाइट ये दोनों चला जाएगा। और दोस्तों SCR की लाइट आने पे क्या क्या पॉइंट चेक करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पहले SCR वीडियो का जो भी बनाया हूँ उसका लिंक दे देता हूँ, आप SCR सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। मैं अमित उपाध्याय, आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, जैसे उनको भी मालूम पड़ सके SCR फॉल्ट आने पे क्या करें, हीटर की लाइट आने पे क्या करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय, आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल।